हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल करो पर। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करंट अकाउंट है और हम उसका नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, जिसे कहते हैं हम योनो बिजनेस, उसमें हमको अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है किसी वजह से, तो उस मोबाइल नंबर को आप घर बैठकर किस तरीके से चेंज करेंगे और उसके बाद जो नेसेसरी अप्रूवल है वो बैंक से आपको कराना होता है। तो इस वीडियो में हम आपके पार्ट का जो काम है वो आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं हम डायरेक्ट वीडियो पर। देखिए, मेरे मोबाइल स्क्रीन पर आपको एक क्रोम करके आइकन दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में यहां पर ऊपर लिखूंगा onlinesbi.com। ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसमें सबसे पहले आपको क्या काम करना है, राइट में टॉप में ये 3 डॉट्स है, इस पर क्लिक करना है आपको। यहां पर जाकर डेस्कटॉप साइट को आप क्लिक कर लेंगे। तो ये देखिए, आपका जो कंप्यूटर पे स्क्रीन ओपन होता है, डिक्टो वही स्क्रीन आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाता है। इसमें काफ़ी हद तक काम करना आपको आसान हो जाता है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, देखिए ऊपर लिखा हुआ है पर्सनल बैंकिंग, नीचे है योनो SBI करके लिखा हुआ है, योनो बिजनेस पर आपको इसमें योनो बिजनेस ही रखना है। और यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। इस स्क्रीन में आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर पुट करना है और कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेना है। मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद में ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब जैसा कि हमको अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो इसके लिए हमको जाना होगा सेटिंग्स में। तो देखिए, यहाँ पर राइट टॉप कॉर्नर में ये एक आइकन बना हुआ है सेटिंग्स वाला, इस पर आपको टिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने प्रोफाइल का स्क्रीन ओपन होगा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए, ऑप्शन आपके सामने ओपन होते हैं, प्रोफाइल, एडमिन, आपको प्रोफाइल में जाकर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद में ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी, इसमें आपको अपना प्रोफाइल पासवर्ड पुट करना है। प्रोफाइल पासवर्ड पुट करने के बाद में ये स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी, इसमें देखिए ऊपर दिया हुआ है यूज़र प्रोफाइल और चेंज प्रोफाइल डिटेल्स। आपको जैसे कि अपना नंबर यहाँ पे देखिए पहले से दे रखा है, लास्ट 4 डिजिट दे रखे हैं, ईमेल आईडी वगैरह दे रखा है, अब आपको चेंज करना है तो आप जाएंगे चेंज प्रोफाइल डिटेल्स पर, इस पर टिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको जैसे कि अपना क्या चेंज करना है, जैसे कि मेरे को मोबाइल नंबर अपना अपडेट करना है तो मोबाइल नंबर पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो देखिए, यहाँ पर इसने ओल्ड मोबाइल नंबर दिखा रखा है, और जैसे कि मेरे को नया मोबाइल नंबर पुट करना है तो 2 बार मेरे को नीचे पुट करना होगा, तो मैं इस पर एडिट पर क्लिक करूंगा, तो ये दोनों कॉलम्स एक्टिव हो जाएंगे। ये फील्ड्स एक्टिव होने के बाद में आप यहाँ पर अपना जो नया मोबाइल नंबर रखना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर आप पुट कर देंगे, और उसके बाद आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो OTP है वो आपका जो लास्ट रजिस्टर नंबर था उस पर जाएगा, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पर सबमिट करने के बाद में आपका एक यूनिक रेफरेंस नंबर क्रिएट होगा, उस रेफरेंस नंबर का प्रिंट आउट लेकर के आपको बैंक में जाना होगा और कंसर्न ऑफिसर से मिलना होगा। जैसे ऑफिसर को आप वो एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो वो आधे घंटे के अंदर इस एप्लीकेशन को अप्रूव कर देते हैं, और अप्रूव होने के बाद आपका जो नया नंबर है जो आप रखना चाहते हैं वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाता है इंटरनेट बैंकिंग यूजेस के लिए। तो इस तरीके से आप घर बैठकर अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।